श्री गुरु रविदास जी महाराज का 644वां प्रकाश पर्व 27 फरवरी को देश भर में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में श्री गुरु रविदास मंदिर कटरा मोहल्ला बस्ती दानिश मंदा से हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी प्रभात फेरियों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत 5वीं प्रभात फेरी मंदिर प्रांगण से बड़ी धूमधाम से निकाली गई। 5वीं प्रभात फेरी का शुभ आरंभ श्री गुरु रविदास मंदिर कटरा मोहल्ला बस्ती दानिश मंदा के प्रधान एवं पार्षद मदन लाल खिंदर के सपुत्र विशाल खिंदर ने विशेष रूप से उपस्थित होकर रिबन काटकर किया। ये प्रभात फेरी मंदिर प्रांगण से शुरू होकर इलाके की परिक्रमा कर न्यू रसीला नगर सोसाइटी के कार्यालय में जाकर संपन्न हुई, जहां पर सोसाइटी के सदस्य पंडित नरेश नाथ, सूर्य कुमार, चांद कुमार, श्यामलाल, अशोक कुमार, बिट्टू, रतनलाल, यशपाल, रवि कुमार, सुभाष कुमार, साई अंगुराल, बबलू, अजय ने इस प्रभात फेरी का पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। इस दौरान इलाका विधायक सुशील रिंकू ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान सोसाइटी के सदस्यों की ओर से आए हुए गणमान्य व्यक्तियों को विशेष रूप से सम्मानित भी किया गया, जिसके पश्चात प्रसाद रूपी लंगर भी वितरित किया गया। इस मौके पर सतपाल पाला, स्वर्ण यादव, ओम प्रकाश लोच, श्यामलाल लोच, प्रदीप थापा, बलबीर लोच, चमनलाल पाठी, पूरन सारंगल, पाठी गुरदयाल, कमल डालिया, शिव यादव, कुलदीप, महेश अंगुराल, अमरनाथ भंडारी, दीवानचंद यादव, रतनलाल अंगुराल, कमल डालिया, कुलदीप राज, अशोक कुमार, सतपाल खिंदर, रमेश जैकी, शिव यादव, ईशान डोगरा, जितेंद्र रूबी, नरेश यादव पाठी, गुरदयाल पाठी, पाठी विजय अंगुराल, लाडी अंगुराल, राज जस्सन, प्रदीप थापा, राकेश लोच, रतन बसन, जयपाल थापा, अमरनाथ भंडारी, तरसेम करलूपिया, जोगिंदर अंगुराल, मदनलाल जंगराल, गणेश लाल, बूटाराम, स्त्री सत्संग सभा की प्रधान दयावंती, सचिव कृष्णा देई, ज्ञानोदयी, उषा लोच, अरुणा लोच, जीतोदयी, बेबी डालिया, बिमला अंगुराल, गारोदयी, ज्ञानोदयी, राजरानी गुड्डी, चंचला रानी, करतारोदयी, भजनोदयी, बब्बू बहन, संतोष रानी, रानी लोच, प्रकाशोदयी, पुष्पादयी, विमला देई, विमला रानी, शोभा मीनिया और कैलाश देई भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। Come on.
बाबा जी के 644वें आगमन पर्व के संबंध में अज पूरे जिथे नगर के जी प्रभात फेरियां उन्हों का सिलसिला चल रहा, गली गली सतगुरु रविदास महाराज दी शिक्षावां का प्रसार हो रहा। उस लड़ी के बस्ती दानिशमंदा मोहल्ला कटड़ा विखे अज पंजवीं प्रभात फेरी है, जिहड़ी समुची सभा की अध्यक्षता दे विच, इस्त्री सभा की अध्यक्षता दे विच अज रसीला नगर विखे इत्थे पहुंची। और मैं समझदा कि गुरु महाराज दीआं शिक्षावां नूं गली गली तक पहुँचाउण दे लई सतगुरु रविदास सभा मोहल्ला कटड़ा दे सारे जिन्ने भी प्रबंधक साथी हन पूरा जिहड़ा तनदेही दे नाल इस सेवा नूं निभा रहे आ। और मैं गुरु महाराज के चरणों से अरदास करदा कि सारे साथी हमेशा चढ़दी कला दे विच रहन और इसे तरह गुरु घर की जिहड़ी सेवा वह करते रहन। श्री गुरु अरदास मंदिर कटड़ा मोहल्ला विच अज पंजवीं प्रभात फेरी सतगुरु रविदास महाराज जी के 644वें प्रकाश उत्सव के संबंध में निकाली गई। पूरी बस्ती की परिक्रमा करते हुए अज प्रभात फेरी कुटिया रोड मोहल्ले वाले पूरे मोहल्ले वाले ने पूरी कलोनी वाले ने प्रभात फेरी के चरण जिहड़े है वह अपने घर विच जां अपने कलोनी विच अपने मोहल्ले विच चरण पुआए हैं। तो मैं सतगुरु रविदास महाराज जी के जन्मदिन से लख लख बधाई दिना। और अज की प्रभात फेरी के साडे मुख्य अतिथि साडे इलाके के MLA मानजोग श्री सुशील कुमार रिंकू जी, उन्होंने नाल साडे खिंदर साहब अते होर सारे ही पतवंते सज्जन सारे ही इस मोहल्ले दे विच पहुंचे हैं। और मोहल्ले वाले ने लंगर की सेवा चाह पानी की सेवा बेअंत माया सेवा गुरु महाराज जी के चरणों के विच सेवा कराई है। महाराज हमेशा परिवार से मेहर भरे हाथ रखे और खिंदर फैमिली हमेशा साडे नाल गुरु महाराज के जन्मदिन से भी वैसे भी साडे नाल मोडे नाल मोढ़ा ला के चलती है। अज किरण खिंदर जी पहुंचे हैं और मैं एक बार फिर सुशील रिंकू जी का और किरण खिंदर जी का महल निवासियों का तह दिलों शुक्रिया अदा करदा। खास तौर पर पंडित नरेश कुमार जी एक महान हस्ती हैं साढ़े, असी उन्होंने भी इतने पहुंचे तो उन्होंने जिया कहते हाँ, उन्होंने धन्यवाद करते हाँ। सारे पदवंते सज्जन सारे सत्कार जो गुरु प्यारे साध संगत जी हो, ये जो प्रभात फेरी है श्री गुरु रविदास मंदिर कटड़ा मोहल्ला तो चल के कुटिया रोड से पहुंची है, इतने साडे नौजवान सभा साडे वीर साडे बेटे इन्हों सारे ने सारे गली मोहल्ले वाले ने सारे प्रबंध करके श्री गुरु रविदास मंदिर सभा बहुत बहुत अपना मान अभी सारे सभा वाले श्री गुरु रविदास सभा कटड़ा मोहल्ला वाले सारे इन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने अटुट लंगर लगा के महाराज जी का जो है सारी सभा का जो है धन्यवाद किया है। और सारी श्री सभा जैंट सभा जो भी है सारे महल वाले का सारे न्यू रसीला नगर कुटिया रोड ते आके इस महीने सारे ही साध संगता वालों किए गए उपराले का मान किया है। मैं इन्हों सारी साध संगत के चरण पैन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हाँ। इन्हां दे रूप दे विच गुरु रविदास महाराज और उन्हां दी पवित्र धूली साडे कुटिया रोड दे हर घर घर तक पहुंची है। और इस उपराले नूं मैं इन्हां सारयां नूं कहांगा कि ये ता उम्र चलांदे रहन और इस तरह ही सारयां दे विच हर घर दे विच ये प्रभात फेरी लिजा के हर दे संगत दे विच हर परिवार दे विच रविदास महाराज दी इस जोत नूं जगांदे रहन और ये जोत सारयां दे विच धर्म का प्रकाश करे, सारयां दे घरां दे विच सुख शांति और सारयां नूं बरकत और सारयां दे घरां दे विच जिहड़ा है वह इस धर्म का प्रकाश करे। तुसीं सारी सारी साधक जी कटड़ा महला तो चल के इत्थों तक आए साढ़े दिते हुए साड़ी सारे महल्ले वालों गली वालों किए गए छोटे जे उपराले का तुसीं मान इज्जत रखिया, मैं तुहाडे सारयां दा बहुत बहुत धन्यवाद करता हाँ। नाथ द्वारा नरेश नाथ तुहाडा कोटि कोटि धन्यवाद करता है कि तुसीं इस जोत नूं जगाया है और इहनूं जगाई रखो। इहदे नाल इक कहा जांदा है कि जिस सभ्यता का धर्म हुंदा है जिस घर का धर्म हुंदा है
ਉਹਦੀ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਜੋਤ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ।